हम चाहते हैं कि हमारा कैप्टन एक अच्छी खासी हाइट का घोड़ा बने। उसके लिए क्या करना होता है, एक तो खुराक तो अच्छी डालनी ही होती है, दूसरा उसको ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी देनी होती है। तो इसीलिए इस बार हम उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल ब्रेक नहीं करना चाहते। आज हम क्या करने वाले हैं, आज रफ्तार का नंबर है, रफ्तार को कैप्टन के साथ चलाएंगे। ये हम कैसे करते हैं अब आपको पता लग ही जाएगा। ये है तो खैर वैसे बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग काम, क्योंकि कैप्टन को संभालना एक बड़े घोड़े से भी ज्यादा संभालना मुश्किल है। चलो चलते हैं अंदर, तैयार करते हैं दोनों को और रफ्तार सिंह और कैप्टन को एक साथ चलाते हैं आज। यहाँ पर पापा जी बैठ गए घोड़े के ऊपर, रफ्तार सिंह के ऊपर। रफ्तार के ऊपर पापा जी बैठ चुके हैं और यहाँ पर अभी बाहर दिखाता हूँ, ये देखें कैप्टन। आज हम उसी तरह का कुछ करने वाले हैं जैसे उस दिन सिंघम और कैप्टन को साथ चलाया था, उसी तरह से आज रफ्तार और कैप्टन को साथ चलाने वाले हैं। चलो देखते हैं कैसे कैसे चलाते हैं। हंटर बहुत ज़रूरी है, ये लो। चलो इसे लेकर चलता हूँ तो मैं जल्दी से मुड़ नहीं पाता हूँ, इसलिए ये बेस्ट है। मैं तो खैर बुलेट पर सवार हो चुका हूँ, सबसे आसान तरीके से मैं बैठा हूँ और मैं चला रहा हूँ बुलेट। और यहाँ पर पापा को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, लेकिन प्रकाश का ज़्यादा रोल है आज बेचारे का। प्रकाश, दमदारी तो तुम्हारी देखी जानी है। ये देखें प्रकाश को बड़े ही संभल कर, तालमेल बिठा कर कैप्टन को चलाना होता है। ये देखें शॉर्टकट ले लेते हैं यहाँ से कैप्टन। अरे संभल के भाई संभल कर। कैप्टन को दिक्कत एक और भी है, क्या नाम है, प्रकाश, थोड़ा संभल के भाई। ओहो कर रहा है, देखो नौटंकी। ये मैं बताऊं ये ऐसा क्यों करता है, जब इसको पता रहता है ना कि आगे घोड़ा है और मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना है, तब ये करता है ऐसे। ओहो चलो जी चलो पापा। ये देखिए ये कुश्ती कर रहा है प्रकाश से। प्रकाश बहुत बढ़िया भाई, वाह। एक तो यहाँ पर यार वाहन बहुत चलते हैं, यहाँ पर ज्यादा है व्हीकल्स, इसलिए जल्द से जल्द इसे उतारना होगा नीचे। यार ये कुश्ती सी कर रहा है भाई प्रकाश के साथ तो। ओहो वाह प्रकाश, मेहनत हो जाएगी प्रकाश की आज, बढ़िया। प्रकाश सोच रहा है देखिए भाई कैसे कि, ओहो बस से डर गया। इसका सारा डर निकलना चाहिए ये वाला भी। प्रकाश नीचे, और यार आज इसको अगर नीचे उतारते भी तो यार ये तो सारी मिट्टी खराब हो रखी है, उतारे कहाँ। ये जो साइड में आप मिट्टियों के ढेर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने परसों या उससे एक दिन पहले अपने कैप्टन को काम दिया था वहाँ पर, और आज यहाँ पर मिट्टी डल गई है क्योंकि यहाँ पर हाईवे का काम शुरू है ना, तो आज यहाँ तो काम दे नहीं पाएंगे, यहाँ दे देंगे। यहाँ कैप्टन को हम काम दे सकते हैं यहाँ पर। प्रकाश ये ठीक है ना जगह, कैप्टन तो देखो अलग हो गया है अब, है ना, कैप्टन अलग हो गया है और अब वो चलेगा। ओ भाई जल्दी चला देता हूँ यार, रफ्तार तो चलता भी बहुत तेज है। इसे काम दो, मैं आ रहा हूँ ठीक है। ओहो हो काम क्या आज तो। और भाई साहब जल्दी चलना पड़ेगा। लो भाई जरा आप रफ्तार की ट्रेनिंग चेक करते हैं, देखते हैं कैसे चलता है रफ्तार। आ जा भाई सीन में, आ जा शेर। ये आया बेटा। अरे क्या कहने, गर्म नहीं हुआ है अभी। बढ़िया। रफ्तार घर की तरफ जा रहे हैं भाई, बढ़ा दे स्पीड अब। चल बेटा चल चमके। चलो पापा इसके ट्रेनिंग कराते हैं इतने, मैं चलता हूँ अपने कैप्टन के पास उसे देखने के लिए। लो भाई कैप्टन के पास पहुंच चुका हूँ। तो भाई यहाँ पर कैप्टन को काम दिया जा रहा है और यहाँ पर पापा जी भी आ चुके हैं छोटी चाल पर चलाते चलाते रफ्तार को। आहा ये रफ्तार यार इतना प्यारा कैसे चलने लग गया अचानक। या तो ऐसा हो सकता है कि जब से इसको पट्टियां बांधनी हमने शुरू की है ना, तो पट्टियां बंधने के बाद घोड़ा अब अजनबी तरीके से पैरों को उठाता है,
बढ़िया लगता है वो उठाता हुआ, इसीलिए हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा अब घोड़ों को पट्टी बांधने के बाद ही चलाएं। तो इसकी ट्रेनिंग तो थोड़ी थोड़ी हमने कंप्लीट करा दी है। कितना काम हो गया इसका? काम हो गया, टाइम नहीं देखा आज। चलो पापा जी फिर चले गए हैं दोबारा, या तो छोटी चाल की ट्रेनिंग दे रहे हैं ना भाई? चाल की, रिवाल चाल की तो पापा ने दे दी है ट्रेनिंग, अब थोड़ी थोड़ी छोटी चाल पर भी चला रहे हैं। एक तो वो ठंडा हो जाएगा, दूसरा उसको आदत हो जाएगी छोटी चाल पे चलने की। अरे छोटी चाल कहाँ है, इसे भी तो कुछ सिखा यार। अब छोटी चाल चलवाइए उसको, देखो कैसे चलेगा। ये छोटी चाल है, चलाता रहा इसको। जब कैप्टन थक जाता है तो इसको दूसरों की तरह इतने पसीने आए या ना आए, ये गुलाबी जरूर हो जाता है। इस कलर में मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि जब भी ये थोड़े गर्म होते हैं, थोड़े से थक जाते हैं, ये एकदम से पिंक होने लग जाते हैं। इनकी जांग यानी कि इनकी थाइज वगैरह और पेट, कान, मुंह और सारी की सारी चीज़ें पिंक हो जाती हैं, और जो कि देखने में बड़ा प्यारा लगता है। हर जगह से पिंक हो चुका है भाई। पापा जी तो धूल उड़ाते हुए लेकर चले गए हैं रफ्तार को यार, कच्चे रास्ते नहीं है हमारे यहाँ पर। तो बस परेशानी ये है कि आजकल हर जगह कच्चे रास्ते नहीं मिलते, हर जगह तो पक्के रास्ते हैं, वरना कच्चे रेत के तो कच्चे रास्तों के तो ये जहाज होते हैं घोड़े। इसकी ट्रेनिंग कराओ भाई। आए चलो, बढ़िया। तब कैप्टन खैर लात नहीं मारता है इतना, इसलिए मैं इसको पीछे से भी डरा सकता हूँ। हमारे दोनों घोड़ों की ट्रेनिंग दोस्तों खत्म हो चुकी है, गुलाबी कैप्टन और आगे काला रफ्तार। ये देखें थोड़ा थोड़ा प्रकाश की भी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इस तरह से भी घोड़े को दौड़ाना बहुत सही रहता है। प्रकाश थोड़ा दौड़ना, देखूं कौन तेज दौड़ता है। हाँ तेरी भाई, वाह। प्रकाश अबाउट टर्न। हाँ भाई। हाँ जी। कैसे लंबी लंबी सांस ले रहे हो भाई? अरे नहीं, लंबी लंबी सांस तो कुछ नहीं। है क्या इसको थोड़ी मक्की परेशान कर रही है, थोड़ी धूप निकल गई। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि रोज दो चार दिन से अब जैसे हम इसे काम दे रहे हैं जी, यहाँ से ले जाना पड़ता है जी, और वहाँ से लेकर आना पड़ता है जी। जी क्या क्या रह रहा है, क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो? मतलब वैसे तो और तो कुछ नहीं है, इसको हम उधर हाईवे पे लेके जाते हैं, जैसे इसका डर सा थोड़ा निकल जाए, जो गाड़ी हाड़ी से डरता है नहीं थोड़ा। हमने कल परसों बुलेट पे भी कोशिश की थी इसको मतलब चलाने के लिए, मगर चला बिल्कुल की थी। चलो भाई इन दोनों को थोड़ा सा मिलवाओ। आहा, इन दोनों की असली अदाकारी, असली अंदाज तो अब दिखेंगे। अरे वाह प्रकाश, क्या लगता है कि अगर कैप्टन को हमने खोल दिया और वो इसके पीछे पहुंच गया तो रफ्तार उसमें लात बजा देगा या नहीं बजा देगा? अब ऐसे तो भैया आप क्या बताऊं आपको, घोड़ा है जो आदमी की भी लात मार सकता है अनजान पड़े में तो, और वैसे कोई मार भी लेता कोई नहीं मारता, ऐसा लगता है ये नहीं मारेगा रफ्तार। हो भी सकता है ना भी हो सकता है, ये तो रिस्क वाली बात है, रिस्क वाली। देखें लेकिन यहाँ पर दोनों प्यार बिल्कुल बराबर कर रहे हैं। कैप्टन बहुत जल्दी रफ्तार से भी ऊंचा मुझे लगता है, इसके जितना तो कुछ दिन में हो ही जाएगा, और इससे ऊंचा होने में शायद अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। लेकिन कैप्टन भी लगने लग गया है अभी घोड़ा सा। गेट, चलो भाई अंदर चलते हैं, अब जरा गेट वेट खोलते हैं, अंदर चलते हैं। दोनों घोड़ों की ट्रेनिंग पूरी तरह से कंप्लीट है, दोनों घोड़ों को पसीनों में लथपथ कराकर आ चुके हैं वापस फार्म पर। लो भाई मिलते हैं अपने इस बच्चे से। आधे लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता लगा है कि बच्चा है किस चीज़ का, मैं उन्हें बता दूं कि ये बच्चा है नील गाय का। यार हकीकत में कमाल कर दिए, किसी को पता ही नहीं है कि ये बच्चा है किस चीज़ का। कोई कह रहा है हिरण का है, कोई कह रहा है कि पता नहीं ये बछड़ा है, कोई कुछ कह रहा है। ये एक नील गाय का बच्चा है जो कि हमारे पास आ चुका है। बस ले, अच्छा अच्छा मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा। देख देख देख, खाने को दूंगा, खाने को दूंगा, खाने को दूंगा। खेलने का मन है इसका इस टाइम। जब पूंछ हिलाता है ना तो जैसे एक डॉग होता है ना, वो खुश होता है पूंछ हिलाता है और आपके पास आ जाता है, उसी तरह से जब ये खुश होता है तो पूंछ हिलाकर मेरे पास आ जाता है। आ जा, बस जाता कहीं नहीं है, ले बस आ जा, 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 जा। जाता कहीं नहीं है, देखो पूंछ हिला रहा ना, फिर से बहुत खुश हुआ था। उस साइड घूमता रहता है, जब भी घूमता है ना उस साइड घूमता रहता है। आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, ले, 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 ले। बहुत प्यारी चीज है मेरे हाथ में। ये तो हमें पता लग गया है कि ये बच्चा है कौन से जीव का, ठीक है। इन आप लोगों को बताना है कि इसका नाम क्या रखा जाए। इसका भी कुछ नाम नहीं है, इसका जल्दी से हमें एक प्यारा सा नाम रखना पड़ेगा।
तो कमेंट सेक्शन में इसका एक प्यारा सा नाम बताएं, उसके बाद इसका एक नाम रखेंगे, फिर हम इसे नाम से बुलाया करेंगे, बच्चा बच्चा नहीं किया करेंगे। इसका कुछ नाम नहीं है यार, तो बड़ी दिक्कत होती है कभी कभार इसको बुलाने में। आजा आजा आजा, आ गया आ गया आ गया, आता है फिर भाग जाता है। आजा आजा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हून, ओवर एंड आउट।